हेलो गाइस, आज वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का। इस वीडियो में आपको बताएंगे एलोवेरा जेल को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और आपको एलोवेरा जेल को फेस पे और हेयर में कब और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। आज इस एलोवेरा जेल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास आज पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल है। तो सबसे पहले हम इस जेल के प्राइस और क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास 60 ml का पैक है और ये मुझे मिला है 45 rupees में। एंड गाइज अब बात कर लेते हैं इस पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स की। गाइज आप इस एलोवेरा जेल को अपने फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहें तो इस एलोवेरा जेल को अपने हेयर के लिए भी यूज़ में ले सकते हो। गाइज पहले मैं आपको इस एलोवेरा जेल को फेस पर लगाने के बेनिफिट बताने वाला हूँ और इसके बाद मैं आपको इस एलोवेरा जेल को हेयर में लगाने के बेनिफिट बताऊँगा और साथ ही इस एलोवेरा जेल को फेस पे और हेयर में यूज़ करके भी दिखाऊंगा। गाइज बात करें इस एलोवेरा जेल को फेस पे यूज़ करने के बेनिफिट की, तो इस एलोवेरा जेल को फेस पे यूज़ करने का एक बेनिफिट तो ये होता है, ये एलोवेरा जेल आपके फेस से पिंपल्स और रिंकल्स को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स और रिंकल्स जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस एलोवेरा जेल को ट्राई कर सकते हो, आपको इस एलोवेरा जेल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और गाइज इस एलोवेरा जेल को यूज़ करने का एक बेनिफिट ये भी होता है, अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा और आपकी स्किन से ड्राइनेस को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। सो गाइज यही होते हैं इस पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल को यूज़ करने के बेनिफिट जो कि मैंने आपको बताए। एक तो ये कि आपके फेस से पिंपल्स को कम करेगा और अगर कम एज में आपके फेस पे रिंकल्स पड़ चुके हैं तो ये आपके फेस से रिंकल्स को भी रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देने में हेल्प करेगा। एंड अगर बात करें इस एलोवेरा जेल को हेयर में यूज़ करने के बेनिफिट की, ये एलोवेरा जेल आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा टूटते और झड़ते हैं तो इस कंडीशन में आप इस एलोवेरा जेल को हेयर में यूज़ कर सकते हो। और बात करें इस एलोवेरा जेल के और बेनिफिट की, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सर में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए आप इस एलोवेरा जेल को हेयर में यूज़ कर सकते हो। ये एलोवेरा जेल हेयर से डैंड्रफ को भी ख़त्म करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। गाइज यही होते हैं इस एलोवेरा जेल को हेयर में यूज़ करने के बेनिफिट्स जो कि मैंने आपको बताए। एक तो ये कि आपके बालों को टूटने और झड़ने से बचाएगा और आपके सर से डैंड्रफ को ख़त्म करेगा और आपके बालों को तेज़ी से लंबा करने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। गाइज यही होते हैं इस एलोवेरा जेल को फेस पे और हेयर में यूज़ करने के बेनिफिट्स। आप बात कर लेते हैं कि आपको इस एलोवेरा जेल को कब और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। गाइज अगर आप इस एलोवेरा जेल को अपने फेस पे यूज़ करना चाहते हो तो आपने रात में सोने से पहले इस एलोवेरा जेल से अपने फेस की 4 से 5 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करनी है और इस एलोवेरा जेल से अपने फेस पर एक लेयर बनाकर छोड़ देनी है और फिर सुबह उठकर आपने नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। गाइज ये तो बात हो गई इस एलोवेरा जेल को फेस पे यूज़ करने की। आप बात कर लेते हैं कि आपको इस एलोवेरा जेल को हेयर में किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। गाइज इस एलोवेरा जेल को हेयर में अप्लाई करना काफ़ी ईजी है। आपने नहाने से आधे घंटे पहले इस एलोवेरा जेल से अपने हेयर की अच्छे तरीके से मसाज करनी है और फिर आधे घंटे बाद आपने अपने हेयर को वॉश कर लेना है। गाइज अगर आप इस एलोवेरा जेल को इसी तरीके से यूज़ करते हो तो आपको इस एलोवेरा जेल का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइज यही था इस पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल का रिव्यू। गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।